नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। ये वीडियो इंडिया रिटेल मार्केट के ऊपर है। जो रिटेल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की रिटेल मार्केट, और वो रिटेल मार्केट इंडिया की इकॉनमी को ड्राइव कर रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए और इसीलिए ये वीडियो है। आई कार दोस्तों को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको करिएगा, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। इंडिया का रिटेल मार्केट है और इंडस्ट्री है वो एक पाइवेटल रोल प्ले करती है इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने में। ये 10% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी को। With the economy successfully rebounding from the pandemic and its after effects, Indian consumers have hit the market. From clothing to accessories, food to beverage, premium is the dominant word on the retail horizon. And both e-commerce and traditional retail players are vying for a piece of the pie. India is now the world's fifth largest destination for retail. The growth of the industry is driven by increased consumer demand, disposable income, efficient logistics, and advanced technology. Modern retailing has entered the retail market in India in the form of shopping centers, multiplex malls, and complex buildings that provide shopping, dining, and entertainment under one roof. India for karib 8% employment generate karti hai India. ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो अभी कुछ सालों में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिटेल सेक्टर में रिमार्केबल ग्रोथ हुई है कुछ चार पांच कारणों की वजह से। पहला कारण ये है कि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, राइट? आप देखेंगे अर्बनाइजेशन बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में बढ़ता जा रहा है। पहला कारण डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। तीसरा जो है लॉजिस्टिक इंप्रूव हो गया है, SKUs हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज मिलने लगे। और पाँचवीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है डिजिटली जो है एक्सेसिबल हो गया इवन टू द रूरल एरिया ऑफ इंडिया। Consumer purchasing power is on the rise, and retail sales in Indian malls are expected to grow at a compound annual growth rate of 29% from 2022 to 2028 to top $39 billion by consumer. कारणों की वजह से इंडिया की जो रिटेल इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो। देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप 5 मार्केट्स में आता है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगा 2030 तक, और ये चाइना और यूएस को भी पीछे कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इस तरह से ये इंडिया का रिटेल मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी और हमारी नज़र क्यों नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो ये डिसाइड मार्केट डिस्क्राइब करती है कि इसमें इमेंस पोटेंशियल है और एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इंडिया रिटेल सेक्टर में, और इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो प्रोजेक्टेड है कि ये ग्रो के सेकेंड लार्जेस्ट 2030 तक बन जाएगा और करीब 500 से 600 मिलियन शॉपर्स हो जाएंगे। अब सोचिए कितना बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है, राइट? और अगले 10 सालों में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज 90% न्यू ऑनलाइन कंज्यूमर्स को ऐड करें, और इसकी इंक्रीज वैल्यू जो है करीब $150 बिलियन। सो ये एक स्टैटिस्टिक्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रॉमिसिंग स्टैटिस्टिक्स है, और इसके वजह से ही दुनिया अट्रैक्ट हो रही है। अगर सारी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है, सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रही है, तो आपका मेरा पढ़ना तो वाजिब बनता है ना। इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। 2024 में दुनिया ऑलरेडी इंडिया का रिटेल मार्केट जो है चौथी पोजीशन में वर्ल्ड में पहुंच गया है, और एक काफी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया के रिटेल मार्केट में। किस वजह से हो रहा है? सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। डिजिटल और टेक्निकल चेंजेस जो इंडिया में हुए वो कहीं नहीं हुए हैं, और इसके वजह से पूरा कंज्यूमर लैंडस्केप ही चेंज हो रहा है, और इसीलिए ये रिटेल मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव होता जा रहा है इंडिया की। जैसे मैंने पहले भी बताया, रिटेल मार्केट जो है 10% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और 8% वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करती है। ये बहुत बड़ी फिगर है और इस पे इग्नोरेंस विल नॉट बी अब्लेस। सो एक कंपेलिंग रीजन है कि इंडिया के रिटेल मार्केट को सीरियसली लेना चाहिए, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप, तो इस पे अटेंशन जरूर होना चाहिए। इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स जो हैं रिटेल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से रिटेल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। पहली बात तो वो GST जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके वजह से सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो गया, लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिटेलर्स के लिए आसान हो गया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है, और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी थोड़े से कम हो गए हैं, और इससे भी ज़्यादा जो है एक सुविधा हो गई है रिटेल सेक्टर को ग्रो होने में। सो इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया के रिटेल मार्केट को, और ये इसको इसके बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ 10 काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का नाम लूँगा जिन्होंने पिछले एक साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसको जरूर स्टडी करें, स्टडी के बेगर फीलिंग के बेसिस पे इनमें आप इन्वेस्ट करना ना भूलें। तो टॉप 10 रिटेल स्टॉक्स आज की डेट में क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला जो रिटेल स्टॉक है एक साल में, पिछले एक साल में जो है 450% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया, वो है V2 रिटेल। इसने 458.7% का रिटर्न दिया पिछले एक साल में। तो दिस इज द नंबर वन स्टॉक एज फार एज द रिटर्न इज कंसर्न। द सेकंड स्टॉक इज ट्रेंट,
ट्रेंड जो है टाटा ग्रुप कंपनी है, वेस्ट साइड के नाम से आप जानते होंगे, ये 204.3% की रिटर्न दी है। स्टॉक जो है वो इथियोस है जिसका रिटर्न 114.8% है, इसको भी स्टडी करिए। रेड टेप का जो रिटर्न है एक साल में 59.4% है। अरविंद का रिटर्न है 55.3%। छठा है स्पेंसर रिटेल जिसका 44.6% है। सातवां है वी मार्ट जिसकी रिटर्न है 34.1%। आठवां है मेट्रो जिसकी रिटर्न है 30.3%। डी मार्ट है 27.9%, बट डी मार्ट एक स्टॉक है, इसको अगर आप स्टडी करें। आदित्य बिरला है जिसका जो है 55%। सो ये 10 रियल कंपनीज हैं इंडिया में, इनके बारे में आप जरूर स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करिए, आपने अपनी समझदारी से आप एक डिसीजन लीजिए, और किसी ना किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना एक समझदारी की बात होगी, तो जरूर इसको स्टडी करिएगा। सो गाइज, जैसे मैंने बोला, रिटेल मार्केट एक ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है और ट्रेमेंडस ग्रोथ पिछले 10 सालों से दिखा रहा है, और आगे भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2027 तक ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंचने की उम्मीद है, और 2032 तक ये 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है, और 25% CAGR पे है, और अभी करंटली 2024 में ये फोर्थ लार्जेस्ट रिटेल मार्केट है इंडिया में। 87% ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी 2025 तक हो जाएगा, इसमें करीब 21% का राइज है। इस तरह से ये रिटेल मार्केट ग्रो होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में जरूर स्टडी करिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।